अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, देश दुनिया की बड़ी खबरें आपके अपने कॉमन न्यूज़ नेटवर्क पर सबसे पहले आपके लिए। उससे पहले हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए, सबसे पहली बड़ी खबर आपके सामने आ रही है कि इसराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की फ़ोन पर हुई बातचीत भी खूब चर्चा में है। इस बातचीत के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान और भारत साथ मिलकर इसराइल को गजा के मामले में मना पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रईसी के फ़ोन पर बातचीत से एक दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्ला से भी बात की थी। ईरान और भारत के शीर्ष नेताओं की ये बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद पीएम मोदी के ट्वीट को फिलिस्तीन पर भारत के रुख में बदलाव पर जोड़कर देखा जा रहा था। हालांकि भारत ये साफ कर चुका है कि फिलिस्तीन को लेकर उसकी नीति नहीं बदली और वो दो राष्ट्र समाधान का ही समर्थक करता है। संघर्ष के बीच पीएम मोदी ने फिलिस्तीनी क्षेत्र के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी फोन पर बातचीत की और गजा को मानवीय सहायता भी भेजी। लेकिन पीएम मोदी और इब्राहिम रईसी के बातचीत के बाद ईरान की ओर से जारी किए गए बयान में इसराइल पर सीधे हमले किए गए, जिस पर भारत के रुख पर फिर से चर्चा तेज हो गई। दोनों नेता मध्य पूर्व में हालात को बिगड़ने से रोकने और तुरंत शांति बहाल करने की जरूरत बताई। वैसे भारत और ईरान में एक बात दिलचस्प है कि ईरान सिया इस्लामिक राष्ट्र है और भारत में भी ईरान के बाद सबसे ज्यादा सिया मुस्लिम लोग हैं। अगर भारत का विभाजन नहीं हुआ होता तो भारत ईरान का पड़ोसी देश होता। दूसरी ओर 2014 में मोदी सरकार आने के बाद इसराइल और भारत भी करीब आ गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इसराइल और ईरान के बीच क्या भारत संतुलन बिठाने में कामयाब हो पाएगा। भारत और ईरान के संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के संबंध कभी खराब नहीं रहे हैं, लेकिन ईरान पर लगे प्रतिबंधों के चलते रिश्ते में उतार चढ़ाव जरूर आए हैं। साल 2021 में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान गए थे। इसी समय भारत के राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल ने भी ईरान का दौरा किया था। इसी दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा के बीच बढ़ते सहयोग का संकेत माना गया। वहीं भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने भी इंटरव्यू में कहा कि भारत सीज फायर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसमें सवाल यह है कि ईरान ने भारत से इतनी उम्मीदें क्यों पाल रखी है। लेकिन क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतनी बड़ी ताकत प्रस्थापित कर चुका है कि वो इसराइल और हमास की जंग को सुलझा पाए। इस पर जानकारों का मानना है कि वो दबाव बनाए ताकि दोनों पक्ष सहमति पर पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी हवाला दे सकता है।